हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत दिन बाद आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। सो ये है दार्जिलिंग की हैप्पी वैली टी गार्डन। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देखिए ब्यूटीफुल है ये टी गार्डन। ये दार्जिलिंग के सबसे नज़दीक वाला टी गार्डन है। ये टी गार्डन बुकबर्न कंपनी से चलते हैं और यहाँ का टेस्टी है। सो जो भी टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले टी गार्डन देखना हो तो यहीं आता है, क्योंकि ये बाज़ार से एकदम नज़दीक है, पास ही है। लगभग बाज़ार से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये टी गार्डन है। देखिए मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं जाऊँगी, यहीं से दिखा देती हूँ। ये नीचे दिख रहा है, इसका फैक्ट्री है। इतना खूबसूरत है ये हैप्पी वैली टी गार्डन। यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं और अच्छे से इंजॉय करके जाते हैं। देखिए यहाँ से दार्जिलिंग टाउन का नज़ारा भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए दार्जिलिंग टाउन कितना क्लियरली दिख रहा है ना। वैसे आज मौसम भी एकदम अच्छा है। सो ब्लॉग के लिए सो मैंने सोचा यहाँ आई हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को यहाँ की एक झलक दिखला दूँ। सो आज मैं बहुत दिन बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। पहले तो मैं मोस्टली रेगुलर ब्लॉग करती थी। यही रास्ते से जाते हैं, यहाँ नीचे तक गाड़ी भी जाता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। देखिए नीचे तक गाड़ी जाता है यही रास्ते से कंटिन्यू। देखिए देखिए व्यूज आज कितना खूबसूरत है नज़ारा। सो गाइस, आपको मेरा वीडियो किसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ये देखिए पिजन्स, जा रहा है ये फैक्ट्री में जा रहा है नीचे। नीचे तक देखिए कितना ब्यूटीफुल दार्जिलिंग। आप कभी आए तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि ये मार्केट से बहुत नज़दीक है। सो यहाँ आना मत भूलिए। ये हैप्पी वैली टी गार्डन, यहाँ का चाय पत्ती का टेस्ट भी अलग है, दुनिया भर मशहूर है। यहाँ का जितना भी चाय पत्ती हो ये सब बाहर एक्सपोर्ट होता है। चलो आपको मैं नीचे तक थोड़ा फैक्ट्री में तो नहीं जाऊंगी, बहुत नीचे आए तो सो मैं यहीं से दिखाऊंगी। वो नीचे पे दिख रहा है,
वो फैक्ट्री का एरिया है नीचे। सब इस एरिया में बहुत गांव भी हैं। यहाँ भी देखिए चाय बगान, चाय पत्ती। मैं कब से सोच रही थी यहाँ का वीडियो ब्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं। और देखिए पास में छोटा छोटा गांव भी है, जो वर्कर्स वहाँ पे रहते हैं। और आज तो मुझे यहाँ कोई एम्प्लॉइज नज़र नहीं आ रहा है। हाँ मे भी ड्यू टू अब विंटर स्टार्ट हो गया, शायद वो ब्लॉकिंग सीजन नहीं होगा या क्या है इस बारे में मुझे तो आइडिया नहीं है। फिर भी अदरवाइज तो जब आप रेनी सीजन में आते हो तब यहाँ ब्लॉकिंग चालू होता है। सो यहाँ बहुत वर्कर्स को भी देखने को मिलते हैं उस टाइम, बट अभी नहीं है। सी ब्यूटीफुल व्यूज। वो नीचे पे है फैक्ट्री। तो देखिए रिव्यूज हमें फैक्ट्री के नज़दीक तो नहीं, जहाँ से अच्छी फैक्ट्री कैप्चर हो मैं वहाँ आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा फैक्ट्री का एक झलक दूर से ही मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए रिव्यूज दार्जिलिंग में आए तो एक बार ज़रूर यहाँ हैप्पी वैली टी गार्डन घूमना ज़रूर आइए। ये दूर नहीं ज़्यादा, टाउन से थोड़े पास ही है। देखिए वाओ कितना ब्यूटीफुल व्यूज है, यहाँ से भी देखिए तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये नीचे वाला है जो देख रहे हो आप फैक्ट्री, देखा ये फैक्ट्री का चिमनी। मैं फैक्ट्री पहुँच नहीं पाई, सो फैक्ट्री के वीडियो में कुछ नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ इनसाइड फैक्ट्री का भी मैं ब्लॉग बना के डालूँगी। सो आज के लिए आप यहीं तक ये वीडियो देखें। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नॉट ओनली दैट, देखिए व्यूज, वेदर कितना क्लियर है। देखिए गाइस प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।